एक लड़का था LLB का, कुंदन कुमार, कांटी कराने वाला था। उसका परीक्षा था जिस सेमेस्टर फर्स्ट का, तो उसका कफेन में सेंटर था। वो परीक्षा दे के आ रहा था घर अपने, तो रामदेलु के आसपास 407 ने उसको अचानक जोरदार ठोकर मार दी, जिससे बच्चे की मृत्यु वहीं पे हो गई। लॉ का एग्जाम दे के आ रहा जी, लॉ सेमेस्टर फर्स्ट का। क्या पहचान हुई मृतक की? मृतक की पहचान उसके जो करीबी दोस्त है वो पहचान किए हैं, और आनंद पाने में उसको परिवार को भी सूचना दी गई थी। परिवार के लोग भी आ गए और आके भी अस्पताल में उन्होंने भी पहचान की हम लोग के समक्ष। आगे पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिए हैं। आगे आवेदन मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई कीजिए। घायल भी फाइल फोटो लीजिए, उसका फाइल फोटो संपालक महोदय है ना, संपालक महोदय कुछ दे दीजिएगा हम फोटो। अरे कहीं वहाँ मौके का बना लिए हैं? कहाँ मौके का? देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में आपके साथ निजाम से। देखिए मुजफ्फरपुर ज़िले में आए दिन जो रोड एक्सीडेंट का जो मामला है अधिकांश दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। नया ताज़ा मामला आपको बता दें रामदयालु का है, जहां पर LLB की एग्ज़ाम देकर कुंदन नामक युवक आ रहा था। बीच रास्ते में ही 307 जो ट्रक है वो आती है और ठोकर मार के चली जाती है, जिसमें मौके पर ही कुंदन नामक जो युवक है उसकी मौत हो जाती है, जो काटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पूरे मामले को लेकर नगर थाने के जो दरोगा है क्या कुछ बता रहे हैं पहले वो सुनिए। एक लड़का था LLB का, कुंदन कुमार, कांटी कराने वाला था। उसका परीक्षा था जिस सेमेस्टर फर्स्ट का, तो उसका कफेन में सेंटर था। वो परीक्षा दे के आ रहा था घर अपने, तो रामदेलु के आसपास 407 ने उसको अचानक जोरदार ठोकर मार दी, जिससे बच्चे की मृत्यु वहीं पे हो गई। लॉ का एग्जाम दे के आ रहा जी, लॉ सेमेस्टर फर्स्ट का। क्या पहचान हुई मृतक की? मृतक की पहचान उसके जो करीबी दोस्त है वो पहचान किए हैं, और आनंद पाने में उसको परिवार को भी सूचना दी गई थी। परिवार के लोग भी आ गए और आके भी अस्पताल में उन्होंने भी पहचान की हम लोग के समक्ष। आगे पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिए हैं। आगे आवेदन मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई कीजिए। घायल भी है सर इसमें? नहीं, कोई घायल नहीं है। पूरे मामले को लेकर नगर थाना के जो दरोगा है क्या कुछ बता रहे थे? लड़का जो था LLB की एग्ज़ाम देकर, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देकर रामदयालु से अपने रूम के साइड में आ रहा था। बीच रास्ते में वहां पर ट्रक यानी उसको ठोकर मार के चली जाती है, और उसके परिजन जो है उसके जो साथ में दोस्त है वो क्या कुछ बता रहे हैं आपको हम सुनवाते हैं। आपने सुना जिस तरह से मुजफ्फरपुर में, खासकर मुजफ्फरपुर की हम बात करें, आए दिन जिस तरह से एक्सीडेंट की जो मामला है काफ़ी बढ़ गई है। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।